सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू एक और नया वीडियो में, और मैं होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो हम आ चुके हैं एक और नया वीडियो के साथ, और हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे, तो आज भी फोर्थ ही करेंगे। तो पिछले वीडियोस में, फोर्थ के वीडियोस में हमने जाना फोर्थ किसे कहते हैं, फोर्थ क्या क्या कर सकता है। तो मेनली अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं जाना है फोर्थ के ऊपर, सिर्फ जाना है कि फोर्थ क्या क्या कर सकता है। ठीक है, फोर्स क्या क्या कर सकता है वो भी आधा अधूरा जाना है, अभी भी पूरा हमने नहीं जाना है। पिछले वीडियोस में हमने जाना कि अ फोर्स कैन कॉज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी, और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये जाना फोर्स ये दो चीज़ मेन कर सकता है। रेस्ट और मोशन के बारे में हमने जाना कि रेस्ट किसे कहते हैं, अगर कोई बॉडी टाइम के साथ और विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स अपना पोजीशन चेंज नहीं करता तो वो बॉडी रेस्ट में रहता है, और अगर वो पोजीशन चेंज करता है तो वो मोशन में रहता है। तो जो चीज़ एक बॉडी को रेस्ट से मोशन या फिर मोशन से रेस्ट में लाता है तो उस चीज़ को फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और फोर्स का एक और चीज़ कर सकता है फोर्स, कि अगर किसी बॉडी को हम चाहते हैं कि वो रेस्ट पर ही रहे या फिर वो मोशन में ही रहे, तो हमें तब भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, मींस हमारे हर एक काम के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये 6 पॉइंट्स बताए, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। तो आज इस इफ़ेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली 7 पॉइंट होते हैं। बेसिकली 7वां पॉइंट मैंने नहीं लिखा था, मैं मिस कर गया था, तो 7वां पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इट कैन मूव नहीं बोलूँगा, इट कैन टर्न अ बॉडी एंड मेक इट मूव इन सर्कुलर मोशन। तो एक एक इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे आज। पहला इफेक्ट है इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। ठीक है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी मूव कर रहा है मतलब मोशन में है। ठीक है, अपना मूव कर रहा है मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है मतलब मोशन में है, और उसको पूरी तरह स्टॉप कर देना मतलब, हम ये चीज़ पहले ही जान चुके हैं कि आप फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। जो एक बॉडी मूव कर रहा है उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है, जब आप कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो आप ब्रेक्स जब अप्लाई करते हैं तब वो क्या होता है, वो बॉडी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रेक का एक मशीन का पार्ट होता है जो क्या करता है, टायर्स के ऊपर, गाड़ी के जो टायर्स है उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तभी तो जाकर वो बॉडी रुकता है या गाड़ी जो भी बोलो। तो ऐसे करके फोर्स इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं जब हम कोई बॉल को कैच करते हैं। ठीक है, जब हम बॉल को कैच करते हैं तब क्या, जब बॉल ऊपर से आ रही है तब बॉल क्या है, मोशन में है, लेकिन जब हम हाथों में पकड़ लेते हैं बॉल को तब वो बॉल स्टॉप हो गया, रेस्ट में आ गया, मोशन से रेस्ट में आ गया। तो हमने क्या किया, बॉल के ऊपर अपने हाथों से एक फोर्स अप्लाई किया तभी जाकर वो बॉल रुका, नहीं तो वो बॉल नहीं रुकता, वो नीचे गिर जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला इफेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। दूसरा इफेक्ट, इट कैन मेक अ बॉडी एट रेस्ट टू मूव, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको
में मूव करके उसको मोशन में ला सकता हूँ। इसका एग्जांपल आप डेली लाइफ में कुछ भी ले लीजिए। सोच लो, अगर एक चेयर रखा हुआ है या फिर एक टेबल रखा हुआ है, टेबल को अगर आप पुश करोगे ज़ोर से तो वो क्या है, टेबल थोड़ा मूव करने लगता है। तो टेबल पहले रेस्ट में था, लेकिन जब आपने उस पर पुश अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या हुआ, वो हिलने लग गया, वो अपना पोजीशन चेंज करने लग गया, तो मतलब वो मूव करने लग गया। जब हम कोई गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, तभी जाकर वो गाड़ी जो है मोशन में आते हैं। तो इससे हमें पता चलता है इट कैन मेक अ बॉडी एट रेस्ट टू मूव। एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ इसका, अगर एक फुटबॉल जो खाली ग्राउंड पे पड़ा हुआ है उसको अगर हम किक करेंगे, तो हमने अपने पैरों से फोर्स अप्लाई किया, तो तभी जाकर वो फुटबॉल जो है मूव करने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी एट रेस्ट टू मूव। तो दो इफेक्ट हमने अभी तक जान लिए, एक कि एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, और दूसरा एक रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पर जो है एक बॉडी उसको वो मोशन में ला सकता है। ठीक, तीसरा पॉइंट है इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। चेंज द डायरेक्शन, अगर इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, ठीक है, सपोज बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में होता क्या है, दूसरा प्लेयर जब वो शटल कॉक को मारते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने रैकेट से उस शटल कॉक को किसी दूसरी तरफ मार देते हैं, या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे। तो आपने क्या किया, उस शटल कॉक एक सीधा डायरेक्शन से आपकी तरफ आ रहा था, लेकिन आपने सपोज आप उस शटल कॉक को राइट की तरफ मार दिया, तो आपने क्या किया, अपने हाथों से एक फोर्स अप्लाई करके आपने क्या किया, उस शटल कॉक का डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल फुटबॉल में, अगर कोई आपको फुटबॉल बॉल पास कर रहा है, तो वो बॉल आपकी तरफ स्ट्रेट आ रही है, लेकिन आपने पैर लगाकर उसे किसी और तरफ मार दिया, तो आपने क्या किया, अपने पैरों से फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी का मूविंग डायरेक्शन चेंज कर दिया। ठीक है, हॉकी में भी यह एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपने हॉकी स्टिक से अपने बॉल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्थ पॉइंट, इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। अब देखो, ये चार नंबर पॉइंट और एक नंबर पॉइंट बहुत सिमिलर है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी, मतलब एक बॉडी जो एक डेफिनेट स्पीड से मूव कर रहा है, इट कैन स्लो डाउन मतलब उस बॉडी को पूरी तरह रेस्ट में नहीं लाया हमने, लेकिन उसका स्पीड जो है हमने कम कर दिया। ठीक है, इसका आप एग्जांपल में, हमने जो पहले एग्जांपल में लिया उसी का ले सकते हैं। अगर आप कोई कार चला रहे हैं या फिर कोई गाड़ी चला रहे हैं, तो आप जब ब्रेक सप्लाई, आप दो चीज़ कर सकते हैं, ब्रेक लगाकर पूरा गाड़ी को स्टॉप कर दिया, एकदम रेस्ट में ला सकते हैं, या फिर आप थोड़े से हल्के से ब्रेक लगाकर आप अपने गाड़ी का स्पीड थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है फोर्स के चलते हम एक मूविंग बॉडी को स्लो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल पर अगर आप धीरे धीरे पैडल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक मारेंगे तो वो स्लो हो जाता है साइकिल। साइकिल पर आप अगर हल्के से ब्रेक मारेंगे तो वो साइकिल स्लो हो जाता है। ठीक है, क्रिकेट में अगर आप बॉल कैच करने चाहते हैं, लेकिन आप बॉल कैच नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो गिर जाता है नीचे, तो वो जितने स्पीड से ऊपर से आ रहा था, लेकिन जब आपके हाथ से टकराकर वो एकदम ग्राउंड में गिरा, तो तब उसका स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ तो फोर्स अप्लाई किया होगा बॉल के ऊपर अपने हाथों से। तो इसी से हमें पता चलता है कि फोर्स कैन ऑल्सो स्लो डाउन अ मूविंग बॉडी। फिफ्थ पॉइंट, इट कैन मेक अ मूविंग बॉडी टू मूव फास्टर। ठीक है, तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है इट कैन मूव, मतलब कोई
बॉडी एक स्पीड से, एक डेफिनेट स्पीड से जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगाकर आप उस बॉडी को और फास्ट मूव कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हमने ले लिया कि आप जब झूला झूलते हैं तो अगर पीछे से कोई जोर से धक्का दे दिया तो आप क्या होगा, आपके झूला झूलने का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, आप और ज़ोर से झूला झूलने लगेंगे। तो ये एक एग्जांपल हो गया। वैसे ही अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने अगर एक्सेलरेटर पर पाँव रख दिया या बढ़ा दिया, एक्सेलरेट कर दिया, स्पीड बढ़ा दिया, तो क्या होता है, गाड़ी के ऊपर एक फोर्स लगता है जिससे आपके गाड़ी का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं, अगर कोई आपके तरफ धीरे से शटल कॉक फेंकता है तो आपने क्या किया, उसको इतना ज़ोर से हाथ से मारा कि आपका ओपोनेंट हार गया। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमें एक मूविंग बॉडी को और ज़ोर से हम उसको मूव करा सकते हैं, मूव फास्टर। छठवां पॉइंट, इट कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी। इसके एग्जांपल मैंने पहले पार्ट टू में ही दे दिया था कि इसका एग्जांपल कि अगर जब आप एक टूथपेस्ट गम ट्यूब या रबर बॉल लेते हैं तो अगर आप उसको जोर से प्रेस करेंगे, या बलून लेते हैं, या डिफ्लेटेड एक फुटबॉल जिसमें कम हवा है, तो आप अगर फोर्स लगाएंगे उस पर तो उसका शेप चेंज हो जाता है। और साइज अगर आप रबर स्ट्रिंग को लेकर ज़ोर से खींचेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, नहीं तो वो मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक है, फट जाएगा वो जो भी हो। ठीक है, अगर आप उसको खींचते हैं थोड़ा सा तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट्स इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सात नंबर पॉइंट है इट कैन टर्न अ बॉडी टू मेक इट मूव इन सर्कुलर मोशन। मतलब आप अगर आप एक फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमा सकते हो, इसका मतलब है ये। इसका एग्जांपल हम ले लिया कि अगर आप स्टोन को एक थ्रेड लाइक कुछ भी चीज़ से अगर आप बांधोगे और उसको गोल 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 हाथ से घुमाओगे ऊपर, तो क्या हुआ, आप फोर्स लगाकर क्या कर रहे हैं, स्टोन को गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। ये सात नंबर पॉइंट जो है वो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, यह बेसिक लेवल है फोर्स का। तो ये सात नंबर पॉइंट के ऊपर और भी टर्म्स आएंगे जो आपके हायर क्लासेस में, ठीक है, तो उस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर हायर क्लासेस में बाद में हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक आप ये नॉर्मली ये इट कैन टर्न अ बॉडी एंड मेक इट मूव इन सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट आप याद करके रहें। तो टोटल हमने आज 7 इफेक्ट ऑफ फोर्स हमने डिस्कस किया आज विथ एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम काइंड्स ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के होते हैं फोर्स, उस पर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको इस जो मैंने पढ़ाया आज, इससे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, या फिर मैं कोई दूसरे वीडियो में आपके डाउट्स का क्लियर कर सकूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।